मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो इस बारे में बनाने जा रहा हूं कि एडीजे की परीक्षा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, क्या फैसिलिटीज है। ये सारी बातें कुछ मित्रों के द्वारा मुझसे चाहा गया है। सर ये बताइए एडीजे की परीक्षा कैसे दें और क्या है। देखिए सबसे पहले भारत में चार तरह के न्यायाधीश होते हैं। एक सिविल जज के रूप में भर्ती होती है, ज़्यादातर सिविल जज की जो भी परीक्षा होती है पीएससी कंडक्ट कराती है। दूसरे उसके बाद होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, इनकी परीक्षा हाईकोर्ट कंडक्ट कराती है और हाईकोर्ट के जज एडवोकेट से भी बनते हैं तथा डिस्ट्रिक्ट जज से भी प्रमोशन के बाद बनते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट के जज। तो मैं सिविल जज और एडीजे के बारे में कुछ वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आज एडीजे के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट जज की एंट्री लेवल के रूप में कैसे एडीजे बनते हैं इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले बार काउंसिल का आपका एनरोलमेंट हो और आपकी आयु या एज 35 साल से 45 साल के बीच की होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम ना हो और 45 साल से ज़्यादा ना हो। उसके अलावा 7 ईयर्स प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आप एनरोल्ड होने चाहिए, 5-7 साल तक आपको वकालत का अनुभव हो। इसकी वेबसाइट आप हाईकोर्ट की खोलकर देख सकते हैं, लगभग प्रतिवर्ष ये परीक्षाएं हाईकोर्ट संपादित कराता है और इसमें ₹1,000 लगभग अनरिजर्व कैंडिडेट्स की फीस रहती है और ₹700 SC ST और अदर कैटेगरीज के लिए लगभग फीस रहती है। फॉर्म चालान के रूप में आपको SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और इसको बाई पोस्ट आपको भेजना होता है। जो भी डेट निकलती है सिलेबस उसमें दिया रहता है प्रिस्क्राइब्ड, आप उस पर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन, ये नहीं है डाक से, आपको फॉर्म भेजना होता है जो भी डेट उसमें प्रिस्क्राइब रहती है। और इसमें जो जॉब प्रोफाइल है, हाउ टू बिकम एडीजे, आप कैसे बन सकते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंट्री लेवल के रूप में, तो जॉब प्रोफाइल में जैसा मैंने बताया कि उम्मीदवार एक तो भारत का नागरिक हो और उसकी जो आयु है वो 35 साल से कम ना हो और 45 साल से अधिक ना हो। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये है, मान्यता प्राप्त किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने LLB किया हो, चाहे 3 ईयर्स हो या 5 ईयर्स, कानून की डिग्री हो, 7 साल की वकालत का आपको अनुभव हो। तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट इसका रिक्रूटमेंट निकालता है और नियत तारीख तक आपको फॉर्म फिल करना होता है, जो मोस्टली रजिस्ट्रार जनरल जो भी हाईकोर्ट के हैं उनके नाम से संबोधित आप पूरा रिक्वायरमेंट भरकर भेज सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, मेंस होती है, मुख्य परीक्षा होती है और इंटरव्यू होता है साक्षात्कार। तो प्रीलिम्स के लिए आपको टिक मार्क क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न मोस्टली रहते हैं। मेंस एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होता है और अलग से, उसके बाद इन दोनों में क्वालिफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इसके अलावा पर्क्स में आपको गवर्नमेंट का बंगला मिलता है, उसके अलावा आपको ड्राइवर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, व्हीकल मिलेगा, टेलीफोन फैसिलिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कुक मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें आपको एडीजे लेवल में प्राप्त होती है। हर स्टेट में थोड़ा सा पैटर्न 19-20 अलग हो सकता है, बेसिक पे लगभग बराबर होती है। मूल वेतन इसका 51,550 रहता है तथा महंगाई भत्ता लगभग 164% पुराने के हिसाब से बता रहा हूँ, ₹84,500 के लगभग आता है। सेकंड जो NJPC आने वाला है, नेशनल जुडिशियल पे कमीशन, उसके अनुसार इसकी और सैलरी और फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो इसमें ₹500 करीब CCA मिलता है, ₹1,500 सेंचुरी अलाउ सत्कार भत्ते के रूप में, ₹2,000 होम अर्ली के रूप में तथा न्यूज़पेपर के ₹500। तो इस तरह लगभग ₹1,40,000 आपको सैलरी मिलती है ग्रॉस सैलरी के रूप में। डिडक्शन में ₹35,000 का लगभग डिडक्शन है, जिसमें NPS स्कीम के तहत ₹13,600 लगभग, PPF LIC के रूप में ₹5,000, इनकम टैक्स ₹17,000 और नेट सैलरी आपकी ₹1,05,000 के करीब आपके हाथ में कैश इन हैंड आती है। काफ़ी सम्मानजनक ये पद है। खूब मेहनत करके जो भी एडवोकेट हैं, 7 साल की वकालत कर रहे हैं, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं और इस कॉम्पिटिशन को फेस करके आप एक एडीजे रूप में पदस्थ हो सकते हैं। जो अन्य सिविल जज वगैरह से होते हैं उनका भी एक कुछ कोटा फिक्स है, उस कोटे के अनुसार आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन पा के उस परीक्षा को क्लियर करके एडीजे बन सकते हैं, आपका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल रह सकता है। डायरेक्ट एडीजे कई बार एलिवेशन में हाईकोर्ट जज तक आसानी से चले जाते हैं, जबकि अन्य जो भी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं वो भी इसमें प्रमोट होकर हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट तक भी एक आध जज गए हुए हैं।
तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है। मेहनत कीजिए, लगन से लग जाइए और एडीजे की तैयारी कीजिए। जब भी रिक्रूटमेंट निकलता है सिलेबस को देखिए, पिछले पेपर्स को देखिए, 5-7-10 साल के पेपर को सॉल्व कीजिए, मेहनत से बेरेक्स पढ़िए, पिछले पेपर सॉल्व कीजिए और पूरी तैयारी के साथ आप एडीजे की परीक्षा में बैठिए। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा आपको छोटे छोटे लीगल वीडियोस के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारी को दिन प्रतिदिन ताज़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कहा गया है, नॉलेज इज पावर, और इस नॉलेज को इतना बढ़ाइए कि आप इतने सशक्त बन जाएंगे कि हम आप जीवन में हर जगह सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में यहीं तक। एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।